ऑल ऑफ यू, अब हम पक्सीनिया की लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, और कल के वीडियो में हमारी जो उसकी जो जो प्राइमरी होस्ट था वीट प्लांट पर जो स्टेजेज आ रही थी वो तीनों हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जो इसका अल्टरनेट होस्ट है इसकी लाइफ साइकिल में, यानी कि बर्बेरिस बल्गेरिस जो बर्बीनेसी का मेंबर है उस पर इसके लाइफ साइकिल की दो स्टेजेज आ रही हैं, तो उनको हम उनमें हम आज पहली स्टेज उठाते हैं। उसमें पिछले टर्न में हम आपको बता चुके हैं कि एक तो पिकनिडियो स्पोर स्टेज और नेक्स्ट स्टेज है आपकी एसयू स्पोर स्टेज, ठीक है। तो हमने आज के इस वीडियो में हेडिंग डाला हुआ है स्टेजेज ऑफ पक्सीनिया ग्रेमिनिस ऑन बर्बेरिस, ठीक है। हमने केवल बर्बेरिस लिखा है लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें इसका बॉटनिकल नेम है बर्बेरिस वल्गेरिस, और किसका मेंबर है आपका बर्बीनेसी फैमिली का, ठीक है बच्चों, इसको आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा हम अपने आंसर को अच्छा लुक देने के लिए एक सेंटेंस इसका एक इंट्रो पैरा टाइप का बना लेते हैं, उसको हम केवल आपको बताए दे रहे हैं। तो थोड़ा सा जैसे इतना लिखने के बाद स्टेज के पहले आप केवल दो चीजें मेंशन कर दीजिएगा कि जो है पक्सीनिया ग्रेमिनिस के लाइफ साइकिल में जो है आपके बर्बेरिस वल्गेरिस प्लांट पर इसके लाइफ साइकिल का जो है हैप्लोफेज पाई जाती, कौन सी पाई जाती है आपके हैप्लोफेज, ठीक है, HAPLOPHAC हैप्लोफेज पाई जाती है, ठीक है। और इसके अंतर्गत आने वाली इंपॉर्टेंट स्टेजेस निम्न है, कौन कौन सी आपकी पिकनिडियो स्पोर स्टेज, और इसका दूसरा नाम है स्पर्मोगोनियम स्टेज। बाय चांस की बात है पिकनिडियो स्पोर स्टेज बहुत फेमस है, सारे लोगों की जबान पे रहता है बच्चों, लेकिन कभी कभी क्या होता है अगर मान लीजिए एग्जामिनर हमारा टाइटल चेंज कर दे इस स्टेज को लेके स्पर्मोगोनियम रख दे, तो उस समय हमको पिकनिडियो स्पोर रखना, इस वजह से इसको मेंशन करना बहुत जरूरी था, ठीक है। अब देखिए जरा, यानी कि हैप्लोफेज, अब बच्चों हम बात करते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होगा। हम लोग अगर देखें तो इसके लाइफ साइकिल में बच्चों पांच प्रकार के स्पोर मिल रहे थे, हम छोटा सा इधर रफली आइडिया देते हैं, यूरिडो, इसके बाद क्या था आपका टेलिटो, एंड देन बेसेडियो, इसके बाद जो है पिकनिडियो, एंड देन एसयू। इस तरीके से चूंकि हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं कि इसका लाइफ साइकिल कैसा है आपका मैक्रोसाइक्लिक, क्या है आपका साइक्लिक, तो साइक्लिक हमने केवल लिखा है, वैसे क्या है आपका मैक्रोसाइक्लिक। अब बच्चों इस फिगर को देखने के बाद एक आपको अंदाजा लग रहा होगा कि जैसे मान लीजिए क्या नाम आपका बेसेडियो, इसके बाद क्या आया आपका पिकनिडियो, के बाद यूरिडो टेलिटो बेसेडियो पिकनिडियो और एसयू, इसके बाद फिर अब यानी कि हमारी स्टेज है आपकी एसयू स्पोर, कौन सी स्टेज है आपकी यूरिडो टेलिटो और बेसेडियो, यूरिडो टेलिटो बेसेडियो, इसके बाद स्टेज हमारी है पिकनिडियो और एसयू, ये दो स्टेजेस पाई जा रही है किस पर आपके बर्बेरिस पर, ठीक है। यानी कि हमारी जो स्टेज होगी आपकी जो आपकी पिकनिडियो स्पोर स्टेज वो कहां से शुरू होगी, कौन से स्पोर इस स्टेज को आगे बढ़ाएंगे, तो इनिशिएटिंग स्पोर इसमें कौन सा है आपको बेसेडियो स्पोर, और बेसेडियो स्पोर जो कहां पे आपका मिला था आपका जो आपका करम जो ये जो स्टेज जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा इसका बेसेडियो स्पोर से, गाइस होगा आपका बेसेडियो स्पोर, और जब ये बेसेडियो स्पोर बच्चों इसको कहां आना होगा, इसको आना होगा आपके अल्टरनेट होस्ट पर, कहां आना होगा आपका अल्टरनेट होस्ट पर, और अल्टरनेट होस्ट कौन सा पौधा है बच्चों, ये है आपका बर्बेरिस वल्गेरिस। तो इसकी जो इस स्टेज में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर जो है आपकी जो है आपका नाम आपका इसका सबसे पहला पॉइंट है फेवरेबल टेम्परेचर एंड सुटेबल ह्यूमिडिटी, सबसे पहला का है आपका फेवरेबल टेम्परेचर हो और जो है क्या हो आपका सुटेबल ह्यूमिडिटी, ठीक है, सुटेबल ह्यूमिडिटी यानी कि क्या है आपका अनुकूलतम तापमान और सुटेबल ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है वातावरण में आर्द्रता। और अगर ये स्पोर आपके आगे बर्बेरिस बल्गेरिस अल्टरनेट होस्ट की कहां आ गए आपके लीफ पर, तो ये क्या होते हैं लीफ पर आने के बाद इनमें क्या होता है आपका जर्मिनेशन, इनका जर्मिनेशन इनकी लीफ पर होता है, ठीक है। और जर्मिनेशन के समय क्या कंडीशन रहती है कि प्रत्येक स्पोर से एक ट्यूब डेवलप होती है, क्या डेवलप होती है आपकी ट्यूब, और जिसे हम जो है आपके प्राइमरी हाइफा कहते हैं, क्या कहते हैं आपके प्राइमरी हाइफा, इसको हम क्या कहते हैं HIPHA हाइफा, इसको हम कहते हैं आपके प्राइमरी हाइफा कहते हैं, ठीक है। और इससे जो है आपका मोनोकैरियोटिक माइसीलियम डेवलप होता है, कौन सा डेवलप होता है आपका मोनोकैरियोटिक माइसीलियम,
ठीक है बच्चों, इस स्टेज का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पैरा हमारा कंप्लीट हो गया है कि यानी कि बेसिडियोस्पोर का जर्मिनेशन जो है क्या है आपके बर्गेरिस बल्गेरिस की लीफ पर होता है, और जर्मिनेशन के समय इनसे एक ट्यूब डेवलप होती है जिसे हम क्या कहते हैं आपके प्राइमरी हाइफा, और इससे कौन सा माइसीलियम डेवलप होता है मोनोकैरियोटिक, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि ये हैप्लोफेज है, क्या है आपका हैप्लोफेज, तो इसमें पाए जाने वाला माइसीलियम कैसा होगा आपका मोनोकैरियोटिक, ठीक है। तो इसे आप देखिए जरा, ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बनेगा तो ये दो स्ट्रेन का हो सकता है, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बेसिडियोस्पोर के जो है आपके स्ट्रेन के अनुसार, काहे के आपके बेसिडियोस्पोर के स्ट्रेन के अनुसार ये होगा प्लस का अथवा होगा आपका माइनस का, ठीक है। प्लस का जैसे हमने ये पहले कहा था कि जो आपके बेसिडियो माइकोटेना के मेंबर है इसमें ट्रू सेक्स, इसमें जो है सेक्स ऑर्गन का अब्सेंट होते हैं, और उसमें प्लस और माइनस स्ट्रेन के जो है वो काहे के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में काम करते हैं, तो बेसिडियोस्पोर के स्ट्रेन के अनुसार ये प्लस अथवा माइनस स्ट्रेन का होता है, ठीक है। और जो है आपके जो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है वो लीफ के जो है आपके डोर्सल सरफेस पर स्पॉट के रूप में दिखाई पड़ता है, काय के रूप में डोर्सल सरफेस पर स्पॉट के रूप में क्या है आपका दिखाई पड़ता है, ठीक है। और दिखाने के बाद क्या होता है ये प्लस और माइनस होता है जो है आपका पिकनिडियम और स्पर्मोगोनियम बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं आपके पिकनिडियम और स्पर्मोगोनियम, ठीक है। अब बच्चों हमारा एक पैराग्राफ हो गया, कुल मिला के इस मोनोकैरियोटिक माइसीलियम से पिकनिडियम और स्पर्मोगोनियम का निर्माण हो गया, ठीक है। और किस सरफेस पर दिखाई पड़ेगा आपके लीफ की जो है आपके डोर्सल सरफेस पर, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि इसकी संरचना जो है आपके फ्लास्क के फॉर्म में दिखाई पड़ती, काय के फॉर्म में आपके फ्लास्क के फॉर्म में, फ्लास्क का मतलब अगर आप ये देख रहे हैं ये वाला फिगर आपको देखने से अंदाज लग रहा है कि एक प्रकार से कॉनिकल फ्लास्क बन रहा है, और इससे जो है आपके इस कैविटी से अनेक मोनोकैरियोटिक हाइफी क्या हो रहे हैं आपके निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं आपके मोनोकैरियोटिक हाइफी, और इसके अलावा फ्लेक्सुअस हाइफी क्या हो रहे हैं आपके डेवलप, और ये क्या बना रहे हैं आपके पिकनिडियोस्पोर का निर्माण कर रहे हैं, काय का कर रहे हैं आपके पिकनिडियोस्पोर का निर्माण कर रहे हैं, और इसके अतिरिक्त पैराफाइसिस हाइफी बने हैं इसमें और फ्लेक्सुअस हाइफी, ठीक है। अब इनके क्या होता है कि मिलने के स्थान पर इनकी पार्शियल वाल क्या होती है आपके डिसअपीयर हो जाती, और इस पर मेटाइजेशन के फलस्वरूप ये दोनों मिक्सअप होकर क्या करते हैं आपके डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें एक और बच्चों कंडीशन है जो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट कर दूं कि इसमें जो है आपके ये वाले जो स्पोर है पिकनिडियो स्पोर है न तो ये जो है आपके गेहूं को ये जो है आपके न तो गेहूं को संक्रमित करेंगे और ना करेंगे बर्बेरिस वल्गेरिस प्लांट को, इन्फेक्टेड करने की इनमें क्षमता नहीं होती है। अगर आपका ये क्वेश्चन आता है कि पिकनिडियो स्पोर और स्पर्मोगोनियम स्टेज, तो इसमें आपको केवल इतना ही देना होता है, और भी मैटर काफी है लेकिन बच्चे इससे अधिक आप लिख नहीं पाएंगे, क्वेश्चन बहुत होते हैं। और इसके अलावा इसमें एक चीज और है, कोई भी आपकी ऐसी चीज कहीं कोई भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है आपको नजरअंदाज नहीं करता, सारी चीजें आपकी इंक्लूड होंगी और इससे अधिक आप तैयार भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि हमने डाला हुआ है, एक बार इसका रिव्यू दे दें, इसके बाद रिवीजन दे दें, फिर इसके बाद कि स्टेजेज ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनस ऑन बर्बेरिस वल्गेरिस, ठीक है। तो पक्सिनिया ग्रैमिनस प्लांट पक्सिनिया ग्रैमिनस की लाइफ साइकिल में बर्बेरिस वल्गेरिस कैसा होस्ट है आपका अल्टरनेट होस्ट, ठीक है। यहाँ पर इसके लाइफ साइकिल का हैप्लोफेज पूरा होता है, इसके अंतर्गत पाई जाने वाली स्टेजेज निम्न है, सबसे पहला पिकनिडियोस्पोर स्टेज और स्पर्मोगोनियम स्टेज, और नेक्स्ट है आपका एसियोस्पोर स्टेज, पहला हेडिंग डाला हुआ है पिकनिडियोस्पोर और स्पर्मोगोनियम स्टेज। तो सबसे पहली चीज क्या है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है बच्चों, कि जैसे हमने एक रफली चार्ट आपको दिया था कि कौन से स्पोर का बेसिडियोस्पोर का जर्मिनेशन कहाँ होगा बर्बेरिस वल्गेरिस की जीव पर, तो हम कह सकते हैं कि अगर फेवरेबल कंडीशन है और क्या नाम आपका फेवरेबल टेम्परेचर है एंड सुटेबल ह्यूमिडिटी की कंडीशन में जो है आपके बेसिडियोस्पोर बर्बेरिस वल्गेरिस की लीफ पर क्या होते हैं आपके जर्मिनेट होते हैं, ठीक है। और जर्मिनेशन के समय उनसे एक ट्यूब निकलती है, और थोड़ा सा बढ़ा दें तो कह सकते हैं कि इसे जर्मिनेशन ट्यूब कहते हैं, लास्टली ये जो है प्राइमरी हाइफा बनाती है और इससे मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बनता है, ठीक है।
और बेसिडियोस्पोर के स्ट्रेन के अनुसार या तो ये प्लस का होगा या कैसा होगा आपका माइनस का, ठीक है। और डॉर्सल सरफेस पर जो है क्या होता है बच्चों कि डॉर्सल सरफेस पर मतलब जो बनने वाला माइसिलियम है वो स्पॉट के रूप में दिखाई पड़ता है, जिससे जो है आपके क्या नाम स्पॉट के रूप में क्या होता है आपका दिखाई पड़ता है। और ये फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है और इससे अनेक जो है जो बनने वाले जो क्या नाम आपके पिक्निडियोस्पोर है वो कैसे आपके मोनोकैरियोटिक नेचर के। इसके बाद क्या होगा पिक्निडियोस्पोर जो है पिक्निडियोस्पोर क्या करते हैं आपके फ्लेक्सुअस हाइफी और जो है आपके पिक्निडियोस्पोर जो है आपके फ्लेक्सुअस हाइफी डेवलप करते हैं और ये जो है इसमें क्या नाम कि जैसे प्लस और फ्लेक्सुअस हाइफी डेवलप करते हैं ये जो है अपोजिट स्ट्रेन में स्पर्मेटाइजेशन के फलस्वरूप डाइकैरियोटिक माइसिलियम डेवलप होता है, ठीक है। ये इसका सबसे लास्ट पॉइंट है, इसमें दोनों चीजें आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है। और दूसरी बात इन स्पोर की एक कंडीशन है कि इसमें जो है आपके अपने समान जो है आपकी ये जो है न तो प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्टेड करेंगे और न जो है आपके अल्टरनेट होस्ट को, यानी कि हमारा बिल्कुल क्लियर विजन है कि इनमें न तो आपके जो है क्या नाम वीट प्लांट को इन्फेक्टेड करने की क्षमता होती है न बर्बेरिस वल्गेरिस को, ठीक है। तो जो है बच्चों हम आपको बता दें इसमें किसी प्रकार का कोई जो है आपका डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी स्टेज जो है क्या होती है आपके खत्म होती, ठीक है। और अब इसके बाद जो है हम आपकी जो अगली स्टेज लेंगे वो कौन सी होगी आपकी जो है कनम आपके एपिक्निडियो और एस्यूस्पोर स्टेज, ठीक है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो यहीं पे फिनिश होता है और अब जो है आपके बिल्कुल जो इसमें रस्ट फंजाई है वो लगभग खत्म होने को एक स्टेज और बची, इसके बाद थोड़ा बहुत पोर्शन हो रहा है, कोई एक आध क्वेश्चन देख लेंगे। और बच्चों आपसे यही है कि इसको अच्छे से तैयार करिए क्योंकि इरिडियोस्पोर स्टेज और पिक्निडियोस्पोर स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए पूरा लाइफ साइकिल आता है तो सारी देनी हो और ये इस तरीके से फिगर है, फिगर आपका प्रॉपर है, इसी को आप बना देंगे आपके मार्क में कोई कटिंग नहीं होगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। और बच्चों एक चीज और है कि थोड़ा सा अगर आपको अगर इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ाई का, थोड़ा सपना थोड़ा बहुत जो अधूरा है पूरा हो रहा है, तो फिर इसको सब्सक्राइब जरूर करते जाइए और डेली डेली वीडियो देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। डायग्राम डायग्राम बस यही।